यवतमाल जिले की दीघराज नगर पालिका के सेवानिवृत्त कर्मचारियों का विभिन्न मांगों को लेकर बीते दो सप्ताह से श्रृंखलाबद्ध अनशन जारी है, लेकिन पालिका प्रशासन का अड़ियल रवैया खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। पालिका प्रशासन ने अब तक इनकी कोई सुध नहीं ली है, जिससे एक बार फिर दीघराज नगर पालिका का असंवेदनशील रवैया सामने आ गया है। दिग्रस नगर पालिका के प्रांगण में बीते 14 फरवरी से श्रृंखलाबद्ध अनशन छेड़ते हुए स्थानीय पालिका प्रशासन से न्याय की गुहार लगा रहे इन सेवानिवृत्त कर्मचारियों की ओर पालिका प्रशासन ने मानो मुंह फेर लिया है। सेवानिवृत्त पेंशन, सातवां वेतन आयोग की बकाया राशि का पहला और दूसरा हफ्ता मिलने सहित DA एरियस का भुगतान करने सहित विभिन्न मांगे पूरी करने में पालिका प्रशासन की हद से ज़्यादा लेट लतीफी पर इन सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने नाराजगी जाहिर की है। आम्ही 14/2022 पासून उपोषणावर बसलो, आतापर्यंत आम्हाला काही रिस्पॉन्स नाही मिळाला। 12-13 दिवस झाले, आज कोणी इथे भेटायला आले नाही। अजूनही आमच्या मागण्या खालीलप्रमाणे आहेत। आमची पेन्शन रेग्युलर करण्यात यावी। सातव्या वेतन आयोगाच्या पहिला आणि दुसरा हप्ता मिळण्यात यावा। पेन्शन ग्रॅच्युटी अद्यापर्यंत नाही मिळाली, ती मिळण्यात यावी। रजा रोखीकरण, पेन्शन विक्री, DA वाढलेले 3% आणि 5% अद्यापर्यंत आम्हाला मिळाले नाही। परंतु कॅडरच्या काही लोकांनी सातव्या वेतनामध्ये 5 हप्ते घेतलेले आहेत, आम्हाला 1 हप्ता मिळाला। आमच्या काही कर्मचाऱ्यांना 2020 आमचे कर्मचारी काही रिटायर झाले, त्यांना ग्रॅच्युटी अजून मिळालेली नाही आहे। आमची पेन्शन रेग्युलर करण्यात यावी, ही आमची मागणी आहे। इन कर्मचारियों ने अपने कार्यकाल में पूरी ईमानदारी और जिम्मेदारी से अपने कर्तव्य को निभाया था। आज भी इन बुजुर्ग कर्मचारियों पर विभिन्न पारिवारिक जिम्मेदारियां हैं। ऐसे में उनकी पेंशन से जुड़ी समस्याओं के चलते उन्हें अक्सर आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता रहता है। यही वजह है कि इस उम्र में भी उन्हें स्थानीय पालिका प्रशासन की लापरवाही की बदौलत अनशन का मार्ग अपनाना पड़ा है, जो कि अफसोस की बात है। नगर पालिकेचा एक सेवानिवृत्त कर्मचारी आहोत आम्ही। सेवानिवृत्त झाल्यानंतर राजकीय या सवलती आम्हाला मिळायला पाहिजे, की या नगरपालिकेकडून घेण्यात येत नाही व आमची कोणतीही दखल घेण्यात येत नाही। फक्त माजी राज्यमंत्री श्री संजय देशमुख यांनी आम्हाला भेट देऊन आमच्याबद्दल सहानुभूती दर्शवली आहे। तर माननीय जिल्हाधिकारी यवतमाळ यांना आमचे निवेदन देखील दिलेले आहे, त्याबद्दल कर्मचाऱ्यांतर्फे मी त्यांचा आभार मानतो। तसेच आमच्या रिटायर सर्व कर्मचाऱ्यांतर्फे एक विनंती करतो शासनाला आणि जिल्हाधिकाऱ्याला, की आमची सेवानिवृत्तीची जी रक्कम आहे ती त्वरित देण्यात यावी व पेन्शन रेग्युलर करण्यात यावी, ही विनंती आहे। नगरपालिका प्रांगण में जारी संशन में सेवानिवृत्त कर्मचारी देशराज अरोड़ा, रामप्रसाद मरसकोल्ले, अब्दुल रहमान, अय्यूब बालापुरे, शेख हनीफ, शेख इफ्तिकार, शेख ख्वाजा शेख हुसैन, हबीब खान राजे खान, भालचंद्र भरारे, शेख मुन्ना शेख बाला आदि शामिल है। मालूम हो कि बीते कुछ सालों से नगर पालिका प्रशासन की कार्यप्रणाली अक्सर विवादों के घेरे में रही है। ऐसे में इन सेवानिवृत्त उम्रदराज कर्मचारियों की सूद न लेकर उनके साथ भी अनदेखी की हदें पार कर पालिका प्रशासन ने मानो खुद ही खुद के नैतिक पतन पर मुहर लगा दी है। BCN न्यूज़ के लिए दिग्रस से जुबैर खान की रिपोर्ट।